हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, वी आर रनिंग रेगुलरली इन योर अदर सब्जेक्ट्स, बट वन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बुक इज देयर इन स्टैंडर्ड 9th. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मीन्स योर पीटी चैप्टर 1, स्टैंडर्ड 9, पार्ट 1, योगा. Okay, students, start very fine with the introduction. We all are very much familiar with the word yoga. By the way, students, from all over the world, from nook to corner, all the persons, humans, were very well acquainted with yoga. Yoga is a medicine for all diseases. If you continuously practicing the yoga, the chances of the illness to your body will be less. अगर आप हर दिन योगा करते हैं तो मतलब आपकी जो शरीर में आपकी दूसरी बीमारी ये सब घुसने का चांसेस बहुत कम है, एंड अल्टीमेटली योर इम्यूनिटी पावर विल बी डेवलप. वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड योगा. हम सब की योगा वोगा हमारे में पता है. Nowadays, this word has reached to each and every house through media like newspaper and television. तो students, yoga के बारे में तो हमको मालूम है. And nowadays, अभी आजकल this word, ये जो yoga करके जो शब्द है, reached every house. हर कोई घर में आप सवेरे देखेंगे या आपके खुद के घर पे देखो, कोई बाहर एक्सरसाइज करने जाते हैं, कोई बाहर बैठ के घर पे बैठ के अपने योगा प्रैक्टिस करते हैं, और अमुक स्टूडेंट्स टेलीविजन चैनल जो है वो लोग क्या करते हैं, टीवी में अपना लाइव टेलीकास्ट करते हैं उसके. फॉर एग्जांपल योग गुरु बाबा रामदेव, दूसरे पर्सन्स, मतलब टेलीकास्ट लाइव कर रहे हैं ताकि उसको देख के हम लोग भी खुद उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. योगा इज एन एक्सीलेंट गिफ्ट प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड बाय द एंशिएंट इंडिया. हमारा जो एंशिएंट इंडिया था, जो पुराना भारत है, योगा इज ए वर्ड, योगा जो था एक एक्सीलेंट गिफ्ट, बहुत बढ़िया गिफ्ट थे नाउडेज हमारे लिए. इट इज एन एवर न्यू साइंस, वो हमेशा के लिए एक नया साइंस के जैसे काम करता है. योगा इज मच मोर यूजफुल इन द प्रेजेंट टाइम्स देन इट वॉज इन द एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम के हिसाब से योगा की जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा जरूरत अभी हमारी प्रेजेंट टाइम में हम लोग को जरूरत पड़ती है. क्योंकि बेटा जो एंशिएंट टाइम था सब कुछ शुद्ध था, एयर, वाटर, और हम लोग जो हमारा डाइट में खाने में लेते हैं वो सब कुछ मतलब परफेक्ट एंड प्यूरिफिकेशन था. लेकिन आजकल तो मतलब ड्यू टू द डेवलप ऑफ द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एयर पोल्यूशन, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आपके जितने सारे गंदा पानी निकलता है वो सब कैनाल में छोड़ देते हैं, वाटर पोल्यूशन. सो अगर हम अभी पर डे इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस द योगा, देन अल्टीमेटली द डिजीज विल एंट्री टू आवर बॉडी. तो पुरातन टाइम से अभी के समय पे हमको योगा का बहुत जरूरी है. इट इज नॉट दैट योगा एनकरेज ओनली इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हैंस ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस द इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO हैज डिक्लेयर द 21st June इज एन इंटरनेशनल योगा डे. तो योगा का इम्पोर्टेंस आप समझिए, इतनी जरूरी हो गया हर कोई ह्यूमन बींग को कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNO जो है 21st June को इंटरनेशनल योगा तरीके से पूरा विश्व मनाते हैं. There is a description of yoga. Many volumes of the oldest ancient literature like Vedas, Upanishad, etc. Yoga का बारे में details में अपने को जानना है तो उसके बारे में बहुत सारे descriptions अपने को दिया गया है जो कि वेद उपनिषद में हमारा वहाँ पे available है. In fact, we can see 6 darshans, system of philosophy, traditions like Vedas, example, Sankhya, Yoga, Navya, Vaishakya, Purva, मीनासा, उत्तरमीसा. बाय कंप्लीटिंग ऑल दिस एक्सलेंट नेचुरल थॉट, महर्षि पतंजलि हैज रिटन ए ग्रेट वॉल्यूम योगा सूत्र. ये सब वॉल्यूम को लेके महर्षि पतंजलि जो है
वो एक अच्छा सा योग सूत्र करके एक वॉल्यूम उन्होंने बुक लिखा है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट नोट इट, हु वॉज द प्रिंसिपल ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी? महर्षि पतंजलि वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑल्सो इन ग्रामर एंड आयुर्वेद उभयतः। वो ग्रामर जो व्याकरण होता है उसका, और आयुर्वेद जो कि हर्ब्स से बनती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपका हर्ब्स होते हैं, उससे आयुर्वेद मेडिसिन जो है बनती है, और उसके ऊपर योगा। ए श्लोक हैज बीन सेड इन दिस योगिना चेतस्य पद्मिनं वाचा मलय शरीरस्य च वेदकिना चारुप्याकरणिना प्रवरं मुनिना पतंजलि हृष्टम्। दिस वॉल्यूम ऑफ हिज सूत्रमाक एप्रोच ही हैज डिस्कस एट द लेंथ द योगा थ्रू क्लियर एंड ऑन फेलिंग सूत्रस मैक्सिमम एफरेंस इन स्पाइट ऑफ इट्स बींग सो डीप। इस श्लोक के बारे में सूत्र में बता रहे हैं कि योगा योगा सूत्र जो उन्होंने बनाया था कितने डीपली होते हैं। ही हैज डिवाइडेड ऑल द 195 एफरेंस इन फोर चैप्टर। 195 जो डिफरेंट टाइप का है वो आपने चार चैप्टर में बताए हुए हैं। योगा इज नॉट ए शस्त्र बट इट इज ए साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाय नोइंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ। योगा इज नॉट ए शस्त्र, ओके, बट इट इज ए साइंस, आजकल कैसे हम साइंस में डेवलप, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, मतलब अपने जिंदगी जीने का शैली, पर डे की जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे चेंज करते हैं, हकीकत जो जिंदगी लाइफ होती है उसको जानने के लिए। इन अदर वर्ड, योगा इज ए सिस्टम ऑफ लिविंग लाइफ इन विच देर इज नो प्लेस फॉर इंसिडेंस ऑन वंस ओन ओपिनियंस। योगा इज अनफेलिंग मेडिसिन फॉर कॉम्प्लीटली ऑलराउंड डेवलपमेंट। और योगा एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर पर डे आप योगा करते हैं तो आपकी मेंटली पीस भी मिलती है। और बेटा बहुत सारे डिजीज ऐसे भी है, प्रैक्टिकली आप लोग सुने भी होंगे, जहाँ पे मतलब डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी फेल होती है, वहाँ पे अपनी योगा से भी आदमी सही हो जाते हैं, ह्यूमन पॉसिबिलिटी। एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा इन द योगा क्लासरूम मेक एनी स्टूडेंट्स फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली पीसफुल, इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट। लुक स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले योगा जो क्लास चल रही है वो फिजिकली स्ट्रांग करते हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज करके हम फिजिकल अपना बॉडी बनाते हैं वो सब उसी में से तो स्ट्रांग करते ही करते हैं। मेंटली पीसफुल यानी कि आपको मानसिक शांति भी मिलती है, इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, और आपकी जो स्मरण शक्ति, आपकी जो ब्रेन में जो मेमोरी पावर है उसको भी डेवलप होती है। हार्टली डिलाइटेड एंड सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन हिज डे टू डे लाइफ डीलिंग से। अगर पर डे योगा करेंगे तो आप में जो चिड़चिड़ापन है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं आप, वो सब भी आपसे धीरे धीरे हटने लगेगा, और सिंसियर आप हर कोई के काम के लिए एकदम सिंसियर हो जाएंगे एंड ऑनेस्ट ऑल्सो, मतलब गलत नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ डीलिंग्स। एज ए रिजल्ट द योगा इन सच पोटेंशियल एक्टिविटीज सो एज टू ब्रिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नेशंस एंड द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके लिए बेटा इसकी जो इतनी सारी डेवलपमेंट और बेनिफिट है उसके चलते हुए अपना यूएनओ ने 21 जून को जो है अपना इंटरनेशनल योगा डे के मना रहे, क्योंकि योगा इज हाईली एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम चाइल्ड टू सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चों से लेकर बड़े उम्र तक सबके लिए हमको योगा का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डिफरेंट टर्मोलॉजीज एंड मीनिंग्स ऑफ योगा। द फॉर्म ऑफ योगा इज सो वास्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू माइंड इट इन एनी सिंगल डेफिनेशन। योगा जो शब्द है वो इतनी बड़ी है कि एक सिंगल डेफिनेशन से हम उसको लिख नहीं सकते। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट यूज इन संस्कृत। ये जो योगा है मीन्स ये आपकी यूज संस्कृत वर्ड से है। इट इज मीनिंग टू मीनिंग इज टू ज्वाइन, टू मीट और टू एनालिटिक। योगा इज टू ज्वाइन द सोल विद द वर्ल्ड ग्रेट विद द सोल सोल यानी कि परमात्मा। योगा एक ऐसा शब्द है बेटा जहाँ से आप बैठे बैठे योगा करते करते आप आपकी आत्मा और परमात्मा के साथ भी आप आपकी मेंटली आप उनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। कुछ देखे होंगे बेटा बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ये सब जो है
यहाँ पे बैठ के मतलब 4 साल के बाद क्या होने वाला है वो चीज़ बोल सकते हैं, भगवान से डायरेक्ट इंटरकनेक्ट मतलब कर देते हैं। नस्त्रोथर्मस जैसे अभी 2021 का भी भविष्यवाणी किया है, ऐसे सब जो मतलब फ्यूचर फिलोसोफर्स जो भी है वो साइलेंटली मतलब डीपली बैठ के अपना मेंटली वो लोग को कनेक्ट कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हैज सेड एवरी इंडिविजुअल हैज ए पोटेंशियल टू अटेंड डिविनिटी। स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि हर कोई इंसान के पास पोटेंशियल शक्ति है, अपने अंदर की जो ऐश्वर्य शक्ति है कि वो आत्मा परमात्मा में योगा के जरिए से मिल सकता है। योगा मेक्स आवर यूनियन विद द कॉन्शियस डिविनिटी पॉसिबल, इट मीन्स मैनिफेस्ट ऑफ द डिविनिटी। अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे इट विल डेवलप योर पोटेंशियल पावर। महर्षि पतंजलि डिफाइंस योगा इन द सेकेंड सूत्र ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज फर्स्ट वॉल्यूम योगा चित्तभूत रधो। योगा इज द एंडिंग ऑफ अनकंट्रोल्ड थॉट्स अराइजिंग इन आवर माइंड। महर्षि पतंजलि अपना सेकेंड सूत्र में फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं कि योगा इज द एंडिंग ऑफ अनकंट्रोल्ड थॉट। जो गलत गलत विचार आ रहे हैं, हम में कोई भी मतलब पेशेंस नहीं रहते, हम बहुत जल्दी मतलब अनपेशेंस हो जाते हैं, ये सब अगर डेली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो अनकंट्रोल्ड थॉट्स अराइजिंग इन आवर माइंड, यानी कि जो मानसिक दुश्चिंता मतलब एकदम बेकार की थॉट्स जो हमारे माइंड में आती है उससे हम लोग दूर होंगे। थॉट्स दैट कंपाइलर ऑथर कंसिडर इट मेंटल फिजियोलॉजिकल रादर देन ए फिजिकल इट द रियलिटी। योगा इज ऑल्सो फिजियोलॉजी। द एम ऑफ योगा इज टू मेक सच थॉट स्टिल एंड फ्रॉम दैट आर यूजफुल इन वंस ओन डेवलपमेंट बाय रिमूविंग यूजलेस थॉट्स थ्रू कंट्रोल ऑफ टेंडेंसी ऑफ माइंड। तो इन शॉर्ट बेटा, तो अब जितना भी हम योगा प्रैक्टिस करेंगे मेंटली प्रीस करेंगे, और योगा के जरिए से क्या होगा, जितने भी सारे अननेसेसरी थॉट्स वगैरह सब हमारे दिमाग में आते हैं उससे हम दूर रहेंगे, अपने बिहेवियर में भी चेंज होगा, अपना शरीर भी अच्छा रहेगा, हर तरीके से अपने को डेवलप होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 2। टिल देन गुड बाय, हैव ए गुड डे।